चाहे कोई बुजुर्ग है चाहे कोई कैसे भी चाहे वोट लेना चाहे हमने ब्लॉक के लिए कितने धक्का खाए कांग्रेस की सरकार के टाइम। देखो छोटी बात पर नहीं जाना चाहिए कोई किस तरह का लालच लोग दे। ब्लॉक दे दिया हमारे बूढ़े बड़े ने, बताओ ब्लॉक के लिए हमें कितने धक्का खाने पड़े और बहन बेटियां हमारी कितनी कॉलेज पढ़ पाती थी पलवल जाने के लिए। ना कॉलेज का जो सबसे बड़ी सौगात दी है बड़ौली के लिए, आगे हमारे बहन बेटियां आराम से जो है पैदल चल के जाएंगी कॉलेज से पढ़ के घर आ जाएंगी। आज फ्लाई ओवर बन रहे हैं 20 मिनट लगेगी पलवल से आने में। ये चीजें जो दी है ये सिर्फ जो है कमल के फूल की वजह से हमें मिली है। तो इसका अगर हम पूरा गांव एक मत होकर के बीजेपी को वोट देता है तो फिर दोबारा हक बन जाएगा हमारा। तहसील अपने यहाँ बन जाएगी और विकास कार्य होंगे। तो ये सभी से जो है आप सब युवा हो समझदार हो इस बात को समझाओ, जो हमें दे रहा है हम उसके साथ चलें, जो हमें कुछ देगा ही नहीं उसके साथ चलने का फायदा क्या होगा। और फिर सबसे बड़ी बात है तो फुलवाड़ी वाले सरपंच, फुलवाड़ी वाले सरपंच की मुझे बड़ी बात याद है, वो जो कह रहा जी फुलवाड़ी में जो ना बीजेपी के साथ नहीं था। और फिर अब गरीब का बच्चा भी नौकरी लग रहा है, पहला आज अब के पहले ऐसा कुछ नौकरी जो कितना अच्छा जो है नौकरी है। और जो है वो बात मुझे बड़ी फुलवाड़ी के सरपंच की याद है जी, जो पिछली बार जी मैं बीजेपी के साथ आया हूँ इन लोगों के साथ, तो किसी कारण से होगा जो क्या जी मैंने पूरे 5 साल में पैसा नहीं के लिए दबाव नहीं बना पाया सरकार तो बीजेपी की आ गई, लेकिन मंत्री पैसे या किसी पैसे कैसे मांगे क्योंकि मुझे वोट नहीं दी। जो क्या मैं ठोक के वोट दे रहा हूँ, ठोक के वोट दे रहा हूँ, ठोक के पैसा मांगूंगा। तो ये गांव जो पैसा मिलता है वो व्यक्ति विशेष को सरपंच को नहीं मिलता या कोई व्यक्ति कहे उसको मिलता, किसी को नहीं मिलता। किसको मिलता है? गांव को मिलता है। हेलो, गांव की जितनी ज्यादा वोट इस पक्ष में डल जाएंगी उतना ही गांव का ज्यादा दबाव बन जाएगा। हम तहसील की मांग करेंगे, तहसील की मांग लेकिन करेंगे जब पूरा गांव वोट देगा एक बार। तो भाई यही विनती है सब समझदार लोगों को, सब समझाओ और एक मत हो करके बीजेपी में कमल को वोट दो जिससे आगे विकास गांव का हो। ध्यान रखिए जी बात को है। ठीक है जी, रखो जी।